नमस्कार, मैं दीक्षा पांडे उपस्थित हूँ आप सभी के बीच शाम की कुछ खास खबर को लेकर। तो खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के ललितपुर जिले से। जी हाँ, बता दें कि यूपी के ललितपुर में लगातार पानी गिरने के कारण किसानों की पूरी फसल नष्ट हो चुकी है और जिन किसानों की फसल थोड़ी बहुत बची हुई है उनको अच्छा भाव नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से किसानों की रोजी रोटी का सवाल उठ रहा है। और वहीं व्यापारियों का कहना है कि उनकी दुकान में सिर्फ किसानों की वजह से चलती है, क्योंकि जब भी उनकी फसल कटती है और नया अनाज आता है तो वह दुकानदारी और नए सामान की खरीद करने निकलते हैं, परंतु फसल नष्ट होने की वजह से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। देखिए ललितपुर से प्रद्युम्न दुबे की ये रिपोर्ट। नमस्कार। अभी फसल खराब होने की वजह से व्यापारियों को भी काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि फसल आती है उसके बाद ही किसानों की वजह से व्यापारियों का घर भी पलता है। किसान अपने साथ साथ व्यापारियों का भी घर पालता है। अभी फसल ढंग से आई नहीं है और किसी किसानों की फसल खराब हो गई है, जिसकी वजह से व्यापारियों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ बजाज एजेंसी के एक मैनेजर साथ में मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या क्या उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है अभी जब किसान की फसल आई है और नहीं आ रही है और इनकी बिक्री नहीं हो पा रही है। हाँ पंकज जी, अभी व्यापारियों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अभी आपको क्या समस्या हो रही है, आपकी दुकानदारी क्यों नहीं चल रही है? सर, फिलहाल में क्या है, बहुत ज़्यादा फसल खराब होने की वजह से, पानी ना गिरने की वजह से सारा उड़द जो भी है वो सूख गया है और फसल किसानों के पास हुई नहीं है, जिसकी वजह से हमारी सेलिंग बहुत ज़्यादा रुक गई है। अभी क्या है, पिछले 5-6 दिन से कोई भी सेल नहीं हो रही है। लगभग किसानों की फसल शुरू होने से लास्ट तक के समय तक कोई बिक्री नहीं हो रही है। फिलहाल में ऐसा चल रहा है, कभी एक जाती है 4 दिन में, कभी 2 जाती हैं, मतलब मार्केट पूरा ही अभी डाउन चल रहा है। कुछ मार्केट में दम नहीं है, मार्केट में लोग भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब किसानों के पास पैसा होगा तो मार्केट में व्यापारियों के पास पैसा होगा। फिलहाल में अभी अगली खबर है यूपी के ललितपुर जिले से, जहां सड़क की हालत जर्जर से दुर्घटना की संभावना। बता दें कि यूपी के ललितपुर जिले में अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी नहीं हो पा रहा सड़क का निर्माण। आवागमन में राहगीरों को हो रही है काफी परेशानी। अधिकारियों से शिकायत करने के बाद गिट्टी डलवा दी, जिससे बरसात में पानी भर जाता है और दुर्घटना की संभावना लगी रहती है। देखिए ललितपुर से प्रद्युम्न दुबे की रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं मेहरौनी तहसील के नाराट रोड पर, जहां मेहरौनी से होकर नाराट तक जो रोड गया है उसकी दुर्दशा काफी बुरा है, दयनीय है उसकी दुर्दशा। और अधिकारियों को सूचित करने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शहर पे एक बार यहाँ पर गिट्टी डाली गई थी और उसके बाद कुछ कार्य नहीं किया गया। इसके बाद गिट्टी डालने के बाद जब बरसात में यहाँ पानी भरा जाता है तो दुर्घटना होने की काफ़ी समस्या रहती है, जिससे आवागमन में राहगीरों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और कई दुर्घटना होने से भी बची है। अगली खबर यूपी के ललितपुर जिले से, जहां ब्लॉक महरौनी अंतर्गत ग्राम पंचायत अंडेला में एक दिव्यांग जिसके पास रहने के लिए आवास नहीं है, उसका घर कच्चा था जो बारिश के कारण शुक्रवार को गिर गया। वह सरकार से प्रशासन से गुहार लगा रहे और दर दर भटक रहा है कि उसको कुछ मुआवजा दिया जाए या फिर उसका प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास बनवा दिया जाए ताकि वह उसमें रह सके। अभी उसके पास रहने के लिए मकान भी नहीं है। उसका कहना है कि उसने प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी से भी बार बार कहा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज उसने ललितपुर कलेक्ट्रेट में आकर डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया, जिसमें उसने बताया कि वह पैर से दिव्यांग है और उसका जल्द से जल्द आवास बनवा दिया जाए। देखिये प्रदीप चतुर्वेदी की ये रिपोर्ट।
क्या नाम है आपका? भागीरथ। कहाँ से आए हो? अंडीला। क्या समस्या है? हमारा कच्चा मकान गिर गया। कच्चा मकान किस वजह से गिर गया? पानी बरस रहा था वो गिर गया। हम उसमें निवास करते हैं, रहते हैं। हम भैया, मम्मी, बहन सब हम लोग भाई गरीब आदमी हैं, एससी के हैं। वो हमारे कोई ग्राम प्रधान न ग्राम रोजगार सेक्रेटरी न रोजगार पंचायत में कोई हमारे सुनते नहीं है। हम बहुत स्थिति में हैं, गरीब आदमी हैं, विकलांग हैं, नहीं पाते हैं। हम बहुत स्थिति खराब से चल रहे हैं। तो अभी कहाँ आए हो? अरे हम कल डीएम साहब के पास आए। डीएम साहब अभी मिले? अरे नहीं, साहब मिले। क्या बताया यहाँ पे आए तो? अरे हम दही में सब हमें देने हैं जा। अच्छा, कलेक्टेड में आए हो? कलेक्टेड में यहाँ साहब आए हैं। अभी आवास नहीं बना है आपका? नहीं बना है साहब। प्रधान से कहा? प्रधान से कहा, प्रधान सुनते ही नहीं। क्या बोलती? कहते हैं तुम लोग को क्या करना है कुआं बनवाने का। अच्छा, और ये विकलांग सर्टिफिकेट लगाए हो तो क्या दिव्यांग हो क्या? विकलांग है। हाँ। क्या खराब है? हाथ पैर क्या है? पैर में जो वाला पैर। अच्छा, क्या दिक्कत है पैर में? सब बस छोटे से हो गया होगा, इसलिए हम विकलांग। और राशन कार्ड वगैरह बना है? राशन कार्ड वगैरह, हाँ, राशन कार्ड तो सफेद बना है। अच्छा, मिलता है राशन? राशन कार्ड तो मिलता है। और सिक्योरिटी ने कुछ मदद की? सिक्योरिटी ने कुछ मदद नहीं करी, ने प्रधान ने कुछ मदद करी है। हमारा मकान गिरा। कितने दिन पहले? आज शुक्रवार के दिन गिरा था। पिछले ही शुक्रवार के दिन? जो आने का गया था। अच्छा, स्वागत है। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खबर यूपी के ललितपुर जिले से, जहां महरौनी के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांग के जिलाध्यक्ष इमरान खान, ब्लॉक अध्यक्ष भीकम सिंह, ब्लॉक सचिव जगपाल सिंह व उनके सभी साथियों ने राज्यपाल को एक ज्ञापन डीएम के माध्यम से भेजा, जिसमें 7 सूत्री मांगों को रखा गया। ज्ञापन में दिव्यांगों के अंत्योदय कार्ड बनाए जाने, 2500 रुपए प्रति माह पेंशन किए जाने, प्रधानमंत्री आवास का लाभ प्रत्येक दिव्यांग को देने, बिना ब्याज के लोन देने आदि समस्याओं का निराकरण की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि 15 दिन से हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया, तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे।
ज्ञापन पर अरविंद झा, संतराम यादव, अवधेश, अनिल, विनोद, मुकेश, नितेश, नरेंद्र, बबलू, मनु, रजक आदि हस्ताक्षर बने हुए थे। देखिए प्रदीप चतुर्वेदी की रिपोर्ट। बताइए आपका नाम क्या है? हमारा नाम है इमरान खान, राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ललितपुर। तो आज किस लिए आए थे आप लोगों ने, किसको ज्ञापन दिया? आज जिलाधिकारी महोदय जी को राष्ट्रीय मुहिम उनके गाने। हाँ बोलिए। जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार के लिए हम लोगों ने अपनी मांगों को रखा हुआ है और साल भर से हम लोग जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री, सभी अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं। अभी तक हम लोगों की मांग नहीं हुई। आज हम लोगों ने और आगे राज्यपाल महोदय जी के लिए अपना ज्ञापन दिया है। अगर हम लोगों की 15 दिन में मांगें नहीं होती हैं तो हम लोग अनशन करेंगे। तो आपकी मांगें क्या हैं? जैसे कि अंत्योदय राशन कार्ड, जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने शासन आदेश होने के बाद भी हम लोग जिला पूर्ति कार्यालय जाते हैं तो कहते हैं ये एक चाइना की लॉलीपॉप है। मतलब आपको खुद, वो खुद कहते हैं कि चाइना की लॉलीपॉप है, लेकिन शासन आदेश से कुछ नहीं होता है। जब हम लोगों के पास होगा हम लोग दे देंगे। और मांगे आपकी और बताइए। प्रधानमंत्री आवास, जो कि हम लोगों के गांव-गांव में विकलांगों के पास पैसे तो होते नहीं है, लेकिन 10-10, 20-20 हजार रुपए मांग की जाती है तो हमारे विकलांग उन चीजों से वंचित रहते हैं। और शिकायतें करने के बाद भी हमारे जिले के कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं कि अपनी समाज को बचाते हैं। कुल मिला के जी हेस करने आए। आपके साथ आज किस किस क्षेत्र से लोग आए? आज हमारे मेहरौनी से भी आए, बिरदा से भी आए, तालबेल से भी आए, सभी लोग आए। सब आपके साथ जो दिव्यांग आए उन लोगों, आपकी बात से सब सहमत हैं? सब सहमत हैं, सब परेशान हैं, कोई ऐसा नहीं है कोई परेशान नहीं हो इसमें। अच्छा, अभी तक आप लोग कहाँ कहाँ ज्ञापन दे चुके हैं? अभी जिलाधिकारी महोदय जी को 2-3 बार जिला अधिकारी महोदय जी को भी दे चुके। जिला पूर्ति विभाग में हम स्वयं दिव्यांग हम लोग गए हुए थे तो उन्होंने कहा ये कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, शासन आदेश का कुछ नहीं मान लिया। आज आपने डीएम साहब को ज्ञापन दिया तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, कॉन्टेक्ट नंबर भी पूछा, उसमें कहने मैं देखता हूँ आप लोगों को बुलाता हूँ। अच्छा, अगली खबर है यूपी के पीलीभीत जिले से। जी हाँ, बता दें कि यूपी के पीलीभीत जिले के थाना शेरा मोत्री क्षेत्र के ग्राम पंचायत महुआ गुंदे से एक ग्रामीण अपने ट्रैक्टर टाली से कुरैया की तरफ आ रहा था। जैसे किसान का ट्रैक्टर टाली कुरैया गैस एजेंसी के पास पहुंचा तभी ट्रैक्टर का स्टेयरिंग फेल हो गया। जब तक चालक को समझ पाता इससे पहले ही किसान का ट्रैक्टर टाली रोड के किनारे पर बने तालाब में जा गिरा। ट्रैक्टर टाली खाली था, चालक सहित एक व्यक्ति ट्रैक्टर पर सवार थे जिन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई। ट्रैक्टर टाली तालाब में गिरने से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया जिसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है। चालक अगर होशियारी ना दिखाता तो बड़ी घटना हो सकती थी। ट्रैक्टर टाली के पलटने की सूचना क्षेत्र में आग की तरफ फैल गई। देखिए सिरा मोत्री से आजाद की रिपोर्ट। Thank you.